नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके सामने इस वीडियो को लेकर। इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे होंगे सेट पेपर नंबर रेलवे का 24। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे सेट पेपर नंबर 24 के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 सेट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने YouTube इस चैनल पर, जो आपके लिए हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने अगर वो नहीं लगाए हैं तो ज़रूर उनको जाकर लगाइए और अपना स्कोर कार्ड जो है हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। दोस्तों कल के 23 नंबर के सेट पेपर में मैंने एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने पूछा था साबुन बनाने में अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर ए था वनस्पति तेल, वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन पेपर में भी आपके लिए 30 क्वेश्चन आपके सेट पेपर के मिलेंगे, प्लस एक सरप्राइज क्वेश्चन मिलेगा, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर ही आ गया है, आपसे पूछा गया है लेजर डैश के उत्पादन के लिए एक उपकरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित विकिरण। लेजर जो है प्रेरित विकिरण के उत्पादन के लिए एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे क्या पूछा गया है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों टेलीविजन के रिमोट में विद्युत चुंबकीय विकिरण जो उपयोग किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अवरक्त प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे क्या पूछा गया है, जब एक तरंग को किसी वस्तु द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है तो किरणें बाधा उत्पन्न करने वाले कण के चारों ओर मुड़ जाती हैं, इस घटना को किस रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी विवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछा गया देखते हैं, ट्यूबलाइट किससे भर जाता है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा जाता है यह पूछा गया, बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव, आपसे पूछा गया है नींबू के रस का पीएच कितना होने की उम्मीद है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों नींबू का पीएच मान लगभग 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्वनि डैश के रूप में यात्रा करती है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ध्वनि जो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण कौन सा है, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों के दांत की जांच करने के लिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या पूछा गया है, किस स्तर अर्थात डेसिबल में किस स्तर के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रिज्म पर सफेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की विकिरण कौन सी होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
चलिए चेक करते हैं राइट आंसर। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आपसे पूछा गया है एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन डैश से जुड़ा होना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 3 पिन वाला जो प्लग होता है तो सबसे लंबा पिन जो होता है ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। किस भौतिक मात्रा को वस्तु के वेग और संवेग के अनुपात से दर्शाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो वस्तु के वेग और संवेग के अनुपात से ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों बल का गुणनफल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो बल का गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान इनटू त्वरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। दोस्तों वर्षा मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो वर्षा मापने का उपकरण आपका हाइटोमीटर कहलाता है, 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, प्रमात्रा सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो प्रमात्रा सिद्धांत जो है आपका मैक्स प्लैंक के द्वारा सिद्धांत ये स्थापित किया गया, 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यदि किसी गति में घूर्णन का अक्ष किसी वस्तु से गुजरता है तो गति को डैश कहा जाता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर है। तो गति को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्पिन गति कहते हैं, 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, जी हाँ दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो सीधे देखने से आंखों को परिवर्तनीय क्षति होती है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित किस घटक के कारण होता है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है आपसे। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ये है 4 ऑप्शन। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कुछ डैश द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए दोस्तों देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का सी यानी कि जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कुछ जीवाणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है देखिए।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, रेड लाइट सिग्नल का प्रयोग खतरे के संकेतक के रूप में किया जाता है, क्या कारण है बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेड लाइट जो है कम फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था, आपके पास ये चार ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में आपका मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो RDX का आविष्कार हैनिंग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 23 नंबर के इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का अक्सर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया, देखिए दोस्तों, हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो पीतल जो है हवा में फीका आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, कृत्रिम श्वास शोधक रासायनिक पदार्थ है जिसे डैश को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कृत्रिम श्वास शोधक रासायनिक पदार्थ चूहों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, आइसोटोप 14C6 किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म की उम्र निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा स्क्रीन पर, आपके लिए सुमेलित करना है, तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जस्ता जिंक फॉस्फेट जो है चूहे मारने के जहर से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लोहे को जंग मुक्त करने के लिए इसके साथ उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए चेक करते हैं, तो दोस्तों लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर लोहे में जंग ज्यादा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा स्क्रीन पर, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो उत्प्रेरक रूप में निकल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये थे आपके सेट पेपर के 30 क्वेश्चन। अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, कितने आपने स्कोर किए हैं। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं कल के सेट पेपर में स्टार्टिंग में बताऊंगा। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अपना जो स्कोर है आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कल जो सरप्राइज क्वेश्चन बोला था मैंने, उसका आंसर वनस्पति तेल है। इस क्वेश्चन का आंसर और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए क्या हुआ। और दोस्तों इस सेट पेपर की लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पर डे एक रेलवे सेट पेपर आपके लिए देते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।